Hello everyone, this is Priti Yadav. So today I'm going to explain you chapter number 8 of Hindi grammar of class 4. The chapter name is Ling. We can say that gender. Okay, so in this chapter we will read about the gender. We can say that the feminine and masculine in Hindi is Striling and Pulling. So everyone now start. See everyone. Istri tatha, istri athwa, purush jati ka ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, यानी जिस भी शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, उन शब्दों को हम लिंग कहा करते हैं या लिंग कहा जाता है। उपयुक्त बने चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ बहन शादी से बहन शब्द से स्त्री जाति तथा भाई शब्द से पुरुष जाति का पता चल रहा है। सी एवरीवन। बहन राखी बांध रही है, भाई उपहार दे रहा है। तो बहन, हु इज बहन? बहन इज अ स्त्रीलिंग, बिकॉज उस समय ये पता चल रहा है कि ये एक स्त्री हैं। भाई उपहार दे रहा है। हु इज भाई? भाई इज अ पुरुष लिंग यानी पुल्लिंग। तो उस समय ये पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं। तो जिन भी शब्दों से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारे लिंग कहलाते हैं। सेना। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंग? टू, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट पुल्लिंग। व्हाट इज पुल्लिंग? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, धोबी। यानी जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बोध कराते हैं, बताते हैं, उस समय ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग हैं, वही हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि लड़का और धोबी। स्त्रीलिंग मीन्स आदि, मैनी ऑल्सो कैन बी स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, धोबिन। यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, उसी को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, धोबिन। सो एवरीवन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू अबाउट पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, कि जिस शब्द से हमें स्त्री पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब नाउ आई विल टेल यू कि सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, देयर आर गिवन सम वर्ड्स, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। दीज आर सी, झीलों के नाम, जितने भी झीलों के नेम होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे नैनी होती है, बड़खल होती है, मानसरोवर होती है, डल झील होती है, इत्यादि। यानी जितनी भी ये झीलों के नेम होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। भाषाओं के नाम, संस्कृत, जापानी, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि। मीन्स संस्कृत होती है, जापानी होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश इत्यादि। मीन्स जितने भी हमारी भाषाओं के नेम होते हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। बेलों के नाम, जो भी हमारी बेल होती हैं, यानी बाइंस, मधुमति, मल्लिका, चमेली, जूही इत्यादि। यानी जितनी भी बेल हमारी होती हैं उन सभी के नाम हमारे स्त्रीलिंग में ही अंतर्गत आते हैं। नदियों के नेम, सरस्वती होती हैं, यमुना होती हैं, गंगा होती हैं, गोदावरी होती हैं। यानी ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्त्री जाति के संबंधित हैं, इसीलिए ये स्त्रीलिंग के आती हैं और सदैव स्त्रीलिंग ही रहती हैं। प्राणियों के नाम, लाइक बुलबुल, तितली, मछली, मैना आदि। दीज नेवर विल बी चेंज इन टू पुल्लिंग, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। सो नाउ आई विल टेल यू एवरीवन, दोज वर्ड्स विल बी ऑलवेज रिमेन एज अ मैस्कुलिन। सी, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। देशों के नाम, अमेरिका, इटली, भारत, पाकिस्तान इत्यादि। यानी जो नेम है ये हमेशा, यानी जितने भी देशों के नेम होते हैं वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सो नाउ एवरीवन, कम ऑन नेक्स्ट पेज, आई विल टेल यू अबाउट दैट पुल्लिंग, दोज वर्ड्स विल बी रिमेन एज अ मैस्कुलिन जेंडर। सी, पहाड़ों के नाम,
हिमालय, आल्प्स, नीलगिरी इत्यादि। पेड़ों के नाम, दिनों के नाम, रत्नों के नाम, यानी जितने भी दिनों के नाम आएंगे, रत्नों यानी जेम्स के नाम आएंगे, पेड़ों के नाम आएंगे, वो हमेशा हमारे पुल्लिंग ही रहेंगे। ओके, सो एवरीवन, आई सेड यू दैट कि दोज वर्ड्स ऑलवेज रिमेन पुल्लिंग, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दोज रिमेन ऑलवेज रिमेन, दोज वर्ड्स ऑलवेज रिमेन स्त्रीलिंग, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। नाउ आई विल टेल यू अगेन स्त्रीलिंग वॉट इज, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है, और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो हमें हमारा पुरुष यानी पुल्लिंग कहलाता है। और दोज वर्ड्स ऑलवेज रिमेन एज अ स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर, एंड दोज वर्ड्स ऑलवेज रिमेन एज अ पुल्लिंग मीन्स मॉस्कुलिन जेंडर, दैट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। सो नाउ वी विल सी सम नेम ऑल्सो, लाइक सी चेंज, दीज आर पुल्लिंग, लड़का, लेखक, धोबी, कबूतर, चिड़ा, भाई, कवि, शिक्षक, मोर, चूहा, दीज आर स्त्रीलिंग, लाइक लड़का, लड़की, लेखक, लेखिका, धोबी, धोबिन, कबूतर, कबूतरी, चिड़ा, चिड़िया, भाई, बहन, कवि, कवित्री, शिक्षक, शिक्षिका, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, मीन्स दीज आर द मॉस्कुलिन जेंडर एंड दीज आर द फेमिनिन जेंडर। सो बाई दैट वी कैन बी कन्वर्ट ऑल्सो, सपोज दैट इज दैट मालिन इज देयर, इट इज अ स्त्रीलिंग, अब वी विल कन्वर्ट इन टू पुल्लिंग, तो वहा वॉट विल राइट, मालिन पुल्लिंग होगा, माली, माली स्त्रीलिंग होगा, मालिन, बाई दैट वी विल बी अंडरस्टैंड। ओके, सो अगेन वी विल रीड दैट, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, यानी वो लिंग कहलाते हैं, मीन्स जेंडर। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग कभी नहीं बदलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, इसका लिंग कभी नहीं बदलेगा, राष्ट्रपति कभी नहीं, राज्यपाल कभी नहीं, ये दीज आर ऑलवेज रिमेन एज अ वन लिंग, वन जेंडर। प्रधानमंत्री होता है या होते हैं, बट दैट विल नेवर बी चेंज इनटू स्त्रीलिंग जेंडर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।